हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आलू कलार रही हूँ क्योंकि आज बनाने हैं दही के आलू। काफ़ी टाइम से दही के आलू बने नहीं हैं और दही भी रखा है, तो दही रखे रखे दो तीन दिन का हो गया है, तो हो गया है खट्टा। तो मैंने सोचा ना बढ़िया से दही के आलू बना लिए जाएं। तो मैंने साबुत आलू कलार लिए हैं और दही डालने के बाद ही इनको थोड़ा सा मैश कर दूँगी और शाम को तुलसी मैया में दिया लगा के घर की पूजा पाठ करके बनाने जा रहे हैं मटर की चाट, क्योंकि मैंने सुबह ही मटर भिगो दी थी। तो देखिए मटर कितनी बढ़िया सी भीग गई है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे यहाँ सबको मटर की चाट बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज शाम को सोचा कि लाओ मटर की चाट बना लेते हैं। तो हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा सोडा और थोड़ी सी हींग और एक आलू काट कर डाल दिया है, तो इससे मटर जो है काफ़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और बेटे से मैंने कहा कि पानी पूरी लानी है, तो वो हंस रहा है कि मोमोज भी लेके आएंगे और फिंगर भी, तो बड़ा ही खुश हो रहा है। तो मैंने कहा मैं मोमोज नहीं खाऊंगी। फिर वो ऊपर गया अपना मोबाइल लेने के लिए और फिर मैंने उसको भेज दिया पानी पूरी, रेडीमेड पानी पूरी मंगाने के लिए। तो रेडीमेड पानी पूरी मिल जाती है तो बढ़िया, घर में पानी बना लो और मटर भी वही रखी है तो पानी पूरी भी हो जाएगी और मटर की चाट भी हो जाएगी। और मैं भी बालकनी पे जाके थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई क्योंकि मटर मैंने चढ़ा दी है, तो उसमें प्रेशर देना है, 3-4-5 प्रेशर आएगा तभी मटर गलेगी अच्छे से। तो आ गई है 2 पैकेट पानी पूरी और पानी घर में बनेगा और मटर बना रही हूँ। पानी पूरी बन रही है तो फिर ये फिंगर क्यों लेके आया? मन था मेरा खाने का। अब पानी पूरी कौन खाएगा फिर? वो मैं खा लूंगा, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? पानी पूरी बना रही हूँ फिर भी फिंगर लेके आया। तो मटर गल गई है और बनाने जा रही हूँ मटर की चाट। तो सबके लिए एक एक प्लेट मटर की चाट भी बनाई और फिर 2 पैकेट पानी पूरी के आ गए, तो बढ़िया सब ने पेट भर के पानी पूरी खाई। आज का डिनर यही रहा। फिर सबने मटर की चाट भी खाई और पानी वाली पानी पूरी भी खाई और सूखी भी लगा लगा के खाई। तो जिसको जैसे खाना था, पानी पूरी 2 पैकेट आ ही गई थी, तो सबने अपने हिसाब से जिसको सूखी खाना सूखी, पानी से भी मैंने खाई, सूखी भी खाई, मटर की टिक्की भी खाई। शादियों का सीजन है तो पटाखों की आवाज आ रही थी तो बालकनी में आ गई।
पास में ही शादी समारोह के गार्डन वगैरह हैं, तो उन्हीं में शादी वगैरह हो रही है तो पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं भी देख लूँ ज़रा बालकनी से। और सबने मटर की चाट और पानी पूरी खा ली है और अब चलते हैं सोने। तो अब आप सबसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों।